वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्कीर। इस वीडियो में मैं रिएक्ट कर रहा हूं पॉपुलेशन कंट्रोल ताबिश हाशमी की स्टैंड अप कॉमेडी। ताबिश हाशमी जो कि आजकल शो चला रहे हैं, जो TVH का शो चल रहा है, जिस पर मैंने प्रीवियस वीडियो में रिएक्ट किया था। चलिए इस पर नजर डालते हैं, देखते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी कैसी होती थी पाकिस्तान में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। पाकिस्तान में एक आदत होती है हमारे, स्पेशली मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, उनकी आदत होती है हर चीज़ को ढक देने की, कवर कर देने की। नया टीवी लेते हैं, उस पर चादर चढ़ा देते हैं, गंदा ना हो जाए। रिमोट पे थैली चढ़ा देते हैं, ग्लास टॉप टेबल लेते हैं, उस पर कवर चढ़ा देते हैं। रिमोट पर 25 करोड़ की आबादी हो गई है, जहाँ चढ़ाना है वहाँ नहीं चढ़ाते। आबादी की तो जरूरत है अभी यार, वहां पर नहीं चलाते बस। सोशल टैबू। अच्छा, हमारे बिला वजह के टैबू हैं। देखिए ना, शादी के बाद सबसे मुश्किल काम होता है कॉन्डम लेना। नहीं, कॉन्डम बोला सब ऑकवर्ड हो गए, इसीलिए 25 करोड़ हो गए। सबसे मुश्किल काम होता है कॉन्डम लेना पाकिस्तान में, तो बहुत मुश्किल काम होता है। एक तो शादी के बाद बिला वजह में कह रहा हूँ मैं, लेकिन जब भी आप लेने जा रहे होते हैं, पहले भी लेते हो गए। अच्छा, तो अब शादी के बाद जब आप जाते हैं लेने के लिए, आप पहले देख रहे होते हैं यार, दुकान पे जाते हैं तो, अच्छा जो चलती हुई दुकान होती है ना, उसका जो दुकानदार होता है, उसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि दुकान वैसी चल रही है, तो उसको कस्टमर सर्विस को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। काउंटर वहाँ होता है जो कॉन्डम लेने जा रहा होता है, कोने पर खड़ा होता है। एक्सक्यूज़ मी दुकानदार, क्या है भाई इधर आओ। नहीं यार, एक सेकेंड, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, सुने तो सही, क्या है वो चाहिए था, मतलब वो होता है ना वो क्या, बैंडेड? बैंडेड से होता है फिर भी ऐसे सवाल। वो कॉन्डम चाहिए, कॉन्डम चाहिए। अशफाक, इन्हें कॉन्डम दिखाओ। अब दुकान पे जो भी लोग खड़े थे सब छोड़ देते हैं और आपको देख रहे होते हैं। बहुत बढ़िया। अब अशफाक आते हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अशफाक प्रोफेशनल हैं, उनको दिखाना आता है। अब अशफाक आते हैं, सर ये स्ट्रॉबेरी बनाना सब है, चूज कर लो आप, जो भी खाना नहीं है भाई दे दो, जो भी दे दो। अब पाकिस्तान में मसला ये है कि जो भी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ होती है वो ब्राउन थैली में आती है, ये ब्लैक में। ये एक वाहिद मसला है जो खवातीन और मर्दों का सेम है। नहीं, सच बात है, देखो सबको पता है ब्राउन थैली में कोई ना कोई मशकूक चीज है। शराब भी ब्राउन थैली में आती है, मतलब हर मशकूक वहां पर। और कंबक जब सबको पता ही है तो भैया ब्राउन थैली में डाल क्यों रहे हो? नहीं मिलती होगी। अब ब्राउन थैली आप लेके जा रहे हैं, 6 अंडे भी रखे हुए, सब देख रहे हैं आपको। ताबिश भाई आज तो कैसी लगी वीडियो? लगी अच्छी? और वीडियोस देखनी है तो ये मेरा पेज है, इसको लाइक करें, मुझे फॉलो करें। मैं सुबह 9 बजे घर से निकलता हूँ, मेरे पीछे लग जाए। और अगर आराम से फॉलो करना तो फेसबुक पर फॉलो करें। मजीद स्टैंड अप कॉमेडियंस की वीडियोस देखनी है तो ये मंसल्स का पेज है, इसको लाइक करें, पागल हो जाएंगे आपको। अच्छा, इसमें एक और वीडियो मैं ऐड कर रहा हूँ, टिंडर इन इस्लामाबाद। टिंडर एक जो है डेटिंग साइट है, इंटरनेशनल साइट कह सकते हैं आप उसको। उमर शेख की कॉमेडी है, स्टैंड अप कॉमेडी है, चलिए देखते हैं। So then I moved to Islamabad, जब मेरी पहली नौकरी लगी। अच्छा, जब आपकी पहली नौकरी लगती है ना, तो पता नहीं क्यों, बेशक वो 25,000 की कोई हो ना सेल्स की नौकरी, आपको लगता है कि ब्रो नौकरी लग गई, अब तो मैं गोल्ड के कमोड पे पार्टी करूंगा। जिसकी टीपू बर्गर की औकात होती है ना 1 महीने पहले, वो कहता ब्रो लंच फ्लो ओनली। तो व्हेन आई वेंट टू इस्लामाबाद, द फर्स्ट थिंग आई डिड ऑब्वियसली वॉज टिंडर। मैंने कहा भाई टिंडर देखते हैं, कोई मुझे जानता ही नहीं। आई नो व्हाई पीपल थिंक कि टिंडर पे यू डोंट फाइंड गुड मैचेस, आई फाउंड द परफेक्ट। डिड यू रियलाइज कि मैं जैसे इस्लामाबाद के बारे में बात किया, स्टार्ट टॉकिंग इंग्लिश।
इस्लामाबाद में अंग्रेज, मैंने ब्रेकफास्ट में ना एवोकाडोस खाना भी शुरू कर दिए हैं। सुना है, खुद ब खुद सोफिस्टिकेशन आ जाती है। तो मैं टिंडर पे गया, आई फाउंड द मोस्ट अमेजिंग गर्ल मैन, शी हैड अ ब्यूटीफुल नेम, प्रिंसेस एक्सेनब, नॉट ज़ेनब, एक्सेनब, एक्स वाला। शी केम फ्रॉम द मोस्ट एक्सोटिक ऑफ ऑल प्लेसेस, चकलाला स्कीम 3 नियर एयरपोर्ट। She had the wittiest description. M not working, M studying. No dirty boys, please. And the best part was, she looked exactly like Katrina Kaif. मैंने कहा मामा, exactly. चकलाला स्कीम 3 में रहती है कतरीना कैफ। तो I swiped right, and I got a match. Best day of my life. So I asked her out on a date. वो मुझे कहती है अच्छा आज शॉर्ट ऑन डेट, दैट्स व्हेन आई फाउंड आउट दैट शी वाज पंजाबी। दैट डे आई लर्न समथिंग अबाउट पंजाबी वुमेन। पंजाबी वुमेन हैव टू सेट्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स, वन व्हेन देयर स्पीकिंग इन पंजाबी एंड वन व्हेन देयर स्पीकिंग इन इंग्लिश। व्हेन देयर स्पीकिंग इन इंग्लिश दे बिकम टीनेज अमेरिकन स्कूल गर्ल्स। Oh my God, this is amazing! I'm gonna make a Snapchat. But when they're speaking in Punjabi, तो it's as if कि exorcist वाला जो जिन होता है ना, जो छोटी बच्ची में घुसता है, वो उनके गलों में चढ़ गया। ये सही है, ये इंडिया में भी है। आप, मैंने तुम्हारा मुंह तोड़ देना है। Off lock button ना। आज एक shit. एक ज़ेनब तुम्हें क्या हो गया? टॉपिक बहुत सही थे, टिंडर को लेकर था, जो लोगों में हाइप रहती है कि वहां पर अच्छा मैच मिल जाएगा हमें, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वहां पर पिक्चर किसी और की होती है। जैसे इन्होंने बहुत सही तरीके से उसको एक्सप्लेन किया, टिंडर के फालतू बकवास को जो लोग वहां पर करते हैं, अपना प्रोफाइल नहीं, या फिर लड़के भी होते हैं वो लड़की का प्रोफाइल बनाकर कुछ भी बकवास किसी हीरोइन की पिक्चर डाल देते हैं, और उनको लगता है कि लोग मुझे ढूंढेंगे। एंड हर के लोग ढूंढते हैं, जाते हैं उनके पास, उनको मैसेज करते हैं, वाह। तो ये थी टिंडर की बात। एंड ताबिश ने एक और टॉपिक उठाया था जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल होता है, बहुत सी जगह पर लोग खुलकर बात नहीं करते हैं उस पर, तो उसके ऊपर थी पॉपुलेशन कंट्रोल के उसकी ज़रूरत है। 25 करोड़ की आबादी बताई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा आबादी, और यहाँ पर 150 करोड़ हो गई होगी लगभग। पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर थी आज, जो चीज़ मांगने से घबराते हैं लोग मेडिकल पर, गवर्नमेंट बोलती है कि यूज़ करो, लेकिन पब्लिक जो है वो खुलकर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन उसमें भी जो हंसी मजाक के किस्से होते हैं, जैसा मेडिकल के इन्होंने शेयर किया कि मेडिकल वाला भाई जोर से चीख पड़ता है, अगर किसी को चुपके से कोई चीज़ चाहिए तो वो चीख पड़ता है, मतलब हर सबको पता ही चल जाता है कि अगला बंदा क्या लेने आया है। बढ़िया कॉमेडी थी, बढ़िया आप वीडियो थे, आपको पसंद आए तो लाइक करके जरूर शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन है सजेशन तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, बाय।